जैसलमेर दुर्ग के नए भाग में आपका मैं स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जैसलमेर किले के अंदर बने हुए जैन मंदिरों के समूह को देखने वाले हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जैन तीर्थंकर आठवें नंबर के जो थे श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी का सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। बाहर का जो मंदिर का नज़ारा है वो येलो सैंडस्टोन की वजह से चमक रहा है, सोने की तरह इसका जो रूप है निखर कर आ रहा है। सामने की तरफ प्रथम जैन तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जी, जिनका नाम आदिनाथ जी भी बताया जाता है, उनका मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। तो दोस्तों इन मंदिरों को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे और अब जाते हैं मंदिर के अंदर वाले हिस्से में। अब चलते हैं मंदिर के अंदर वाले हिस्से में दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सुंदर तोरण बना हुआ है, देख सकते हैं। ये इस मंदिर का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। यहाँ पे जो ये स्टोन इस्तेमाल किए गए हैं, फॉसिल स्टोन है दोस्तों सारे जो इस्तेमाल में लाए गए हैं। यदि अपनी नज़र को आप ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे तो आपको 12-12 के पेयर में भगवान गणेश, माँ पार्वती और भगवान शिव की बहुत सुंदर कलाकृति के साथ भरी हुई प्रतिमाएँ दिखाई देंगी, जो इस मंदिर के गर्भगृह के शिखर वाले हिस्से को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती हैं। 15 सेंचुरी के अंदर ये मंदिर स्थापित किया गया था, 1435-37 के वक्त तक। और ये मंदिर जो समर्पित है दोस्तों, ये आठवें जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं श्री चंद्र प्रभु स्वामी जी, उनको समर्पित है। जितनी भी आप प्रतिमाएं देखेंगे जैन धर्म की, वो लगभग सेम बनी है। आप उनको कैसे पहचानेंगे कि वो कौन से तीर्थंकर हैं? तो उसके लिए बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी तीर्थंकर होंगे उन तीर्थंकरों के कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे चांद दिख रहा है आपको आधा, तो जिससे आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तीर्थंकर कौन से हैं। यदि आप यहाँ पर सबसे पहले तीर्थंकर की बात करते हैं आदिनाथ जी की, तो उनका सिंबल है बैल। और यदि आप बात करते हैं 24th नंबर के जो तीर्थंकर थे, जो यहाँ के सबसे लास्ट थे, महावीर जी, उनका लॉयन है दोस्तों। तो इससे आप ना ये जज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन से मंदिर में किस तीर्थंकर का स्थान बना हुआ है। इस पूरे मंदिर के अंदर जो सबसे आपको आकर्षित करने वाली चीज दिखाई देगी वो देगी इस पत्थर पे की गई कार्विंग। ये जो पूरा मंदिर है ये बनाया गया था जैन समुदाय के सदस्यों के द्वारा, लेकिन जो यहाँ के महारावल थे उनका कहना था कि यदि आप अपने भगवानों को यहाँ पे दर्जा देना चाहते हैं तो बस आपको एक काम करना पड़ेगा कि जो भी हमारे हिंदू धर्म के देवी देवता होते हैं उनको भी आपको बनाना पड़ेगा। इसलिए आप जहाँ पर भी देखेंगे वहाँ पर आपको हिंदू गॉड गॉडेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। काफ़ी सारे पैनल बनाए गए हैं, सब पैनल के अंदर उस समय की कुछ नृत्यिकाएँ दिखाई गई हैं और कुछ यहाँ पर उस वक्त के जो एरोटिक्स सीन होते हैं उनको भी दिखाया गया है, जो एक लाइफस्टाइल में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सामने वाले हिस्से को आप देख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे नज़र बट्टू देखा हमने नज़र से बचाने के लिए। इसके बाद में इस पिलर के पैनल पे देख सकते हैं, आपको देखने में लगेगा कि ये जो पत्थर यहाँ पे रखे गए हैं ये पेस्ट करके रखे गए हैं, लेकिन दोस्तों ये सारा जो सिस्टम बना है ये इंटरलॉक सिस्टम पर बना हुआ है, एक के ऊपर एक स्टोन रख के। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे जो तीर्थंकर हैं उन सभी को यहाँ पे उनकी जो मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं दोस्तों, सब तीर्थंकर को आप उनके जो नीचे सिंबल हैं पैरों के वहाँ पे उनसे पहचान सकते हैं। और ऐसा बताते हैं कि इन मंदिरों के अंदर 6,666 मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे जब हम एक सर्कल लेंगे तो उससे पहले आप देख सकते हैं कि सभी दिशाओं के अंदर जो दिशा सूचक हमारे भगवान होते हैं उनको दिखाया गया है। इनको पहचानने के लिए जो इनके वाहन होते हैं उनसे आप पहचान सकते हैं कि कौन से अग्निदेव हैं या कौन से दूसरे भगवान हैं। ये उस समय की जो विश्व सुंदरियाँ हैं, इनके जो शरीर का त्रिभंग स्ट्रक्चर है उसको आप देख सकते हैं। खजुराहो के जो टेम्पल आपने देखे होंगे ना, उन टेम्पल की बिल्कुल हूबहू कॉपी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और इस वाले हिस्से पे देखेंगे जो पटल बनाया गया, इस पर कितना शानदार नज़ारा है। और ये चौमुखी ये जो मूर्ति है आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, चौमुखी का मतलब है चार दिशाओं में चार मुख बने हुए हैं। और चंद्र प्रभु स्वामी जी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। यहाँ पर देखिए हम मूर्तिकार के एक बहुत सुंदर स्वरूप को दिखाते हैं कि इन्होंने जो डांसिंग लेडीज़ हैं इनको दिखाने की कोशिश की है, इनके जो ऑर्नामेंट्स हैं, शरीर के जो आभूषण हैं इनको कितने अच्छे तरीके से दिखाया है। हाथों के स्ट्रक्चर को देखिए कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये जो अष्ट दिग्पाल होते हैं उन्हीं को दिखाया गया है, जिनका जो भेड़ इनका क्या कहते हैं वाहन है।
और जो हमारे भगवान है उनको कैसे पहचानेंगे कि भगवान है या दूत है वो या देवी देवता है, तो अगर इनके पैरों पे कुछ इस प्रकार का सिंबल बना होगा तो ये गॉड को दिखाएंगे, अदरवाइज सिंपल ये देवी देवता होंगे, उनके रूप होंगे। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये काल भैरव का रूप दिखाया गया है, इनका कुत्ता इनका वाहन है, हाथ में इन्होंने मुंडी पकड़ी हुई है, दाढ़ी दिखाई गई है भगवान की। देखो दोस्तों मैं आपको ना लोगों की एक मानसिकता दिखाता हूँ, इस पूरे मंदिर के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी मूर्ति मिलेगी जो नेक्ड है, नग्न है, तो लोगों को ना मतलब बहुत गंदी प्रवृत्ति है कि जब तक उन चीज़ों पे हाथ ना लगाए ना तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो देखेंगे लोगों ने हाथ लगा लगा कर जो इस पूरा स्क्रप्चर का जो शाइनिंग है वो आ रही है, तो लोगों को पता नहीं क्या संतुष्टि मिलती है जिसको देखने के लिए इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। ये देखो मूर्तिकार ने भाई गजब तराशा हुआ है, इसके बाद में इस पटल में देखेंगे आप, मतलब जिस भी हिस्से में आप देखेंगे ना मंदिरों के समूह में आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा कि जैन समुदाय के लोगों ने इस मंदिर को बनाने के लिए फाइनेंस किया था, लेकिन जो मंदिर ये समर्पित हैं वो केवल और केवल यहाँ के जो गॉड गॉडेस हैं जो हिंदू धर्म के होते हैं उन भगवानों के लिए समर्पित ये किए गए हैं। हर एक कॉर्नर पे, हर एक पटल पे कुछ अलग आपको विचित्र देखने को मिलेगा, हर कोने पे अष्ट दिग्पाल देखने को मिलेंगे, आठ दिशाओं के, कहीं पे वायु देव, कहीं पे सूर्य देव देखने को मिलेंगे, कहीं पे कौन से भगवान अलग अलग, सब भगवानों को मतलब यहाँ पे दिखाया गया, यानी कि 33 कोटि देवी देवता जो होते हैं 33 प्रकार के, उनको दिखाने की कोशिश यहाँ पे दोस्तों की गई है। और इस मंदिर में इस तरफ देखिए आप, सामने की तरफ देखो, यहाँ पे बहुत सारी जैन तीर्थंकर की बहुत अलग अलग प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि जो सारी ये मूर्तियां हैं या तो ये पार्श्वनाथ जी की हैं, महावीर जी की, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आप इनके सिंबल से समझ सकते हैं जो इनका सिंबल है। तो इस प्रकार के कुल मिलाकर यहाँ पे 7 मंदिर बने हैं। यहाँ पे जो मूर्ति की स्थापना की गई अंदर की तरफ, ये 1509 के वक्त में की गई थी जो आज यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार के और भी जो मंदिर हैं उनको भी हम देखेंगे दोस्तों। अब चलते हैं बाहर वाले हिस्से में। अब हम देखने जा रहे हैं जैन तीर्थंकर के सबसे पहले जो गॉड थे, यानी कि श्री ऋषभ देव जी के मंदिर को, और अंदर की तरफ हम चलते हैं। आ जाइए। तो उन्होंने क्या किया, फिर एक जगह मांगी भगवान से, राजाओं से, राजा ने छोटा सा जगह दिया। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रथम जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ, यानी कि जिन्हें हम ऋषभ देव भगवान भी कहते हैं, उनकी यहाँ पे कितनी सुंदर प्रतिमा बनाई गई है। और इस मंदिर के समूह में यहाँ पर कुल मिलाकर 7 अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे जो चौकी बनी है ये चांदी की हमें दिखाई दे रही है। ये पंडित जी किसी ने चढ़ाई है या पहले से रखी है? ये पहले की रखी हुई है। तो आप हमें थोड़ा पंडित जी बताइए ना, मंदिर कब बना, किसने बनवाया, कुछ महिमा बताइए ना। बिल्कुल जरूर बताएंगे। ये टेम्पल है ना, 550 साल पुराना टेम्पल है, और ये टेम्पल को बनने में लगा था 15 साल। यहाँ के जो राजा था वो था राजपूत, जैन फैमिली इनको फाइनेंस करता था राजा को, उनका बिजनेस था अपने जैन फैमिली का, सोना चांदी ओपियम का था बिजनेस था। तो राजा ने बोला हम आपको ज़मीन देंगे, फोर्ट के अंदर आप टेम्पल बनाओ। तो राजा ने ज़मीन दिया, इन्होंने पैसा लगा के पूरा निर्माण करवाया। फिर 1947 के अंदर इनका बिजनेस ख़त्म हो गया, बॉर्डर लग गया पाकिस्तान का। फिर बाद में इससे बाहर चले गए कोटा, रतलाम और इंदौर, घरों के अंदर जो प्रतिमा थी ला के डोनेशन दिया टेम्पल को, 6666 प्रतिमा है। एक टेम्पल को बनने में लगा 15 साल, और 550 साल पुराना टेम्पल है। इसके अंदर कहीं भी चूना सीमेंट पानी नहीं है, पूरा इंटरलॉक करके इसको ज्वाइंट किया गया। इस प्रकार से ये खंभा आप देखेंगे ना जी, इसके अंदर पूरा इंटरलॉक है। अच्छा। और इस प्रकार से इसको बनाया गया है। शुक्रिया पंडित जी। तो पंडित जी ने हमें बहुत बेहतरीन जानकारी दी, और ये भी बताया कि किस प्रकार से इंटरलॉक सिस्टम का इन मंदिरों में इस्तेमाल किया गया है बनाने के लिए। और जो यहाँ के फाइनेंसर थे जो जैन समुदाय से संबंधित हैं, उन्होंने इन मंदिरों को बनाया है। एक बार हम मंदिर के इस वाले हिस्से से प्रदक्षिणा पथ कर लेते हैं, मंदिर के चारों तरफ घूम लेते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि मूर्तिकारों ने कितनी शिद्दत से अलग अलग गॉड गॉडेस को बनाया, उनकी प्रतिमाओं को बनाया, और सब मूर्तिकारों ने अपने अपने टैलेंट को यहाँ पे दिखाया। दोस्तों आप जिस भी तरफ देखेंगे वहीं पर आपको हर तरह का वो नज़ारा देखने को मिलेगा जो हमारे पौराणिक समय में हमारे ग्रंथों के अंदर हम लोगों ने लोकाक्तियों में सुना है।
अलग अलग दिशाओं में अलग अलग दिशा के भगवानों को देखने का मौका मिलेगा। अलग अलग जो यहाँ पे नृत्यिकाएं हैं जो देख सकते हैं आप। इसके साथ साथ में हमने जो पहले वाला मंदिर देखा था, उस मंदिर के भी अंदर वाले हिस्से में कुछ ऐसी ही प्रतिमाएं बनी हुई थी। यहाँ पे जो एक आकर्षित कर देने वाली बात है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए, आप ये देखिए, आप दूर से देखेंगे तो कितना आकर्षित आपको कर रहा है ये मुख बना हुआ। इसको व्याल बोलते हैं, व्याल यानी कि भगवान विष्णु का ही एक रूप है। आगे का मगरमच्छ और सुअर और हाथी के कॉम्बिनेशन बना हुआ रूप है दोस्तों ये वाला। ये जो अंदर लोग पानी चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, तो उसके बाद जो पानी का निकास होता है वो इस तरफ से होता है। तो यहाँ पर जितने भी मंदिर बने हैं ना, उनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि मूर्तिकार ने जान फूंक दी इसके अंदर। अब आइए दोस्तों आगे की तरफ, आप एक बार यहाँ आइए, और आने के बाद में आप है ना इस पूरी श्रृंखला को देखिए जो कि मिरर के पीछे रखी हुई है। यहाँ पे जैन तीर्थंकरों की अलग अलग पोस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दो तीन चार, एक के अंदर भगवान बना है, सुनिए इधर, इसको और इसको छोड़ दो, इसमें और इसमें आपको मूर्ति ढूंढना है। चावल के साइज का छोटा भगवान, अपने वाले आगे आ जाओ, देखो कोशिश करो कहाँ पे भगवान बना हुआ है। ये बाकी जो बने भगवान नहीं है ये, नहीं उसमें छोटा भगवान बना हुआ चावल के साइज़। नहीं नहीं ये जो वो बाकी तो है भगवान, अच्छा छोटा बना हुआ है, मतलब चावल ना चावल ना चावल ना, ठीक है आ जाएंगे। तो इस पूरे स्थान को देखकर हमें ये पता लग गया कि जो यहाँ का येलो सैंडस्टोन होता है उसी पे सब मूर्तियों को उकेरा गया, तराशा गया। ये इन मंदिरों के स्ट्रक्चर है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे मंदिर बने ना उनके रूप को यहाँ दिखाया गया है कि कौन से मंदिर कितने कितने ऊंचाई के हैं, कौन से मंदिर कैसे कैसे बने हुए हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों इस मंदिर की श्रृंखला के उस बाहरी रूप को देखने के लिए, जहाँ पर हम है ना जो सात मंदिरों के बाहरी आकर्षण को देखेंगे, अंदर से तो सब मंदिर कुछ इस प्रकार से हैं, सब अलग अलग तीर्थंकरों को समर्पित है। आइए दोस्तों, जैन तीर्थंकर मंदिरों के अंदर के नज़ारे को देखने के बाद में अब हम आ गए हैं इसके बाहरी स्वरूप को देखने के लिए। यहाँ से देख सकते हैं कि इंटरलॉक सिस्टम की वजह से इन मंदिरों का बाहरी जो रूप है वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षित बना है। वेंटिलेशन के लिए, रोशनी के लिए हर दिशाओं में एक अलग से होल पास दिए गए हैं, और मंदिर का नज़ारा बिल्कुल हूबहू वैसा है जैसा आप लोगों ने देखा होगा हमारे भारत के पुराने मंदिरों जैसा। दोस्तों सामने वाला जो मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं, इस मंदिर को कहा जाता है श्री पार्श्वनाथ जी का मंदिर, यानी कि 23वें तीर्थंकर। और इस मंदिर का बाहरी नज़ारा देख सकते हैं। इन मंदिरों का खुलने का जो वक्त है वो सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। तो ये जो मंदिर बंद है वो इसलिए क्योंकि अभी शाम का वक्त हो चुका है। और इस गली में घूमते घूमते यहाँ पे जितने भी 7 मंदिरों के समूह आप उनको ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और इस जर्नी के अंदर हमारे ये वाली ब्लॉगिंग बहुत शानदार मज़ेदार रही। अब हम चलते हैं अगले भाग में, तो अगले जय हिंद जय भारत।